अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके इन छह से आपको कोई फायदा नहीं कोई असर ही नहीं हुआ इमेज बिल्डिंग क्या है कि आपने अपनी इमेज को एनहांस करना है बिल्ड करना है वो किसी भी चीज का का इमेज इमेज हो हो सकता है, हो सकता है है वो वो किसी किसी जगह इवेंट का इमेज हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं पर्सनल इमेज के लिए यानी हम अपने इमेज को कैसे इन्हांस करें तो जो इमेज है ना उसका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है आपके फर्स्ट इम्प्रेशन के साथ क्योंकि अभी आप सारे बच्चे जो हो अभी मेरा खाले पढ़ रहे हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हो लेकिन अब हमने आपको तैयार करना है कि आपने इतना पढ़ लिख लिया है लेकिन अब आप देखने में पढ़े लिखे लगने चाहिए ये है इमेज बिल्डिंग वो कैसे फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा कैसे करना है बाकी तो इम्प्रेशन जो पढ़ गया वो चलता रहेगा इन अच्छे से अच्छा चलेगा बट इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है ना वो ये है कि आप जहाँ पर भी जाएँ अपना भी नाम रोशन करें अपने उस अदारे का भी नाम रोशन करें जहाँ से आप आए और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के आए पता चले इस बंदी से मुलाकात हुई थी यार वो बंदी वेरी प्रोफेशनल अब ये कैसे होता है फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे दैट रिमेंबर देयर इज ओनली वन चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन एक बार ही होता है ना पहली बार ही होता है उसके बाद जो इमेज बिल्ड हो गया अब लाख कोशिश कर लें आप अगले को कन्विंस करें ना करें ये फिर आपकी सेकंड थर्ड एबिलिटी के ऊपर होता है पता नहीं अब आप दोबारा उसको बता सकेंगे कि आप इतने कामयाब हैं क्या पता है आप उसको बता सकेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं क्योंकि जो आपने पहले कर कोई गलती कर दी जिससे हम आपको बचाना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो हम आपको फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करना सिखाएंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना खास तौर पे जॉब इंटरव्यू के लिए तो कोई आपको ना नहीं कर सकेगा कोई इनकार नहीं कर सकेगा वो कहेगा कि हाँ ये बंदा है ये बंदी है जो मेरे अदारे का नाम भी रोशन करेगी और अपना तो वो कर ही रही है सो ये वाला जो है ना ये वाला इमेज बिल्ड करना है फर्स्ट इंप्रेशन की जहां तक बात आती है कहते हैं कि तीस सेकेंड पहले थर्टी सेकेंड्स फर्स्ट मीटिंग के लिए बहुत अहम होते हैं आप लोग इस बात से एग्री करते हो पहले थर्टी सेकेंड्स में आप अपना इंप्रेशन छोड़ देते हैं आपका एक इमेज बिल्ड हो जाता है अगला बंदा जो है आपके बारे में एक पिक्चर अपने जहन में बिठा लेता है ज्यूम कर लेता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है डिग्री तो बाद में हाथ में आएगी ना पहले तो देखने से पता चलेगा क्या ख्याल है बात भी आप बाद में करेंगे पहले अगला आपको देखेगा तो जो मेरी एक्सपर्टीज है ना वो ये है कि जो आपको देख रहा है ना वो देखते ही उसको चार मैसेज मिल जाए एक तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन मिल जाए कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है दूसरा उसको ये पता चल जाए कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है बैकग्राउंड किससे बनता है आपके एजुकेशन से आपके खानदान से आ, ये आपका बन जाता है ठीक है तीसरा उसको एक अप कॉल मिल जाए कि ये बहुत प्रोफेशनल इसे देख के बात करनी है बड़े से बड़ा बद अखलाक इंसान भी होगा ना वो आपको देखे कहेगा कि नहीं तो बहुत महजब है मैंने इसे तमीज से बात करनी है तो क्या है कि ये सारा मैसेज आपने अपने अटायर से देना है ये पूरा हमारा जो सेशंस पे मुश्तमिल प्रोजेक्ट है ना ये अटायर के ऊपर है सर से लेके पाओ तक फर्स्ट थर्टी सेकेंड्स के बाद आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो जैसे कि मैंने अभी कहा पूरा का पूरा आपके अटायर के ऊपर है तो अटायर के ऊपर कैसे है क्योंकि मैं इन्हांस करना चाहती हूँ आपकी फिजिकल अपेयरेंस, फिजिकल अपेयरेंस के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीजें हैं आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ फिजिकल अपेयरेंस आपका इमेज बिल्ड करेगी हो सकता है आप देखने में अच्छे लग रहे हो लेकिन आते ही असलकुम आप इतने बुरे तरीके से करें आपका बॉडी लैंग्वेज इतना बुरा हो कि आपका सामान गिर रहा है आपके पसीने छूट रहे हैं हमने वो सारी चीज़ें सही करनी है क्या पता है कि स्पीच में कोई ऐसी बात आ जाए कोई अल्फाज के इस्तेमाल में अल्फाज के चुनाव में आपके लफ्ज में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि अगला कहीं नहीं यार जीरो हो गया देखने में कितनी अच्छी लग रही थी इसको तो लाहौर नहीं बोलना आ रहा ऐसे लोग देखे जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है बंदा कहते कि नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन तो बताती ही नहीं कि इतना पढ़ा लिखा है फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए लेकिन एक बात से तुम सब मेरे से इतफाक करोगे आपकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त अच्छी हो जाती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस कैसे आता है जिस दिन आप अच्छी लग रही होती है ना और आप सेटिस्फाई होती हैं दैट व्हाट यू आर वेयरिंग और आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखती है तो उस दिन तो आप ही तरह तरह के फिरती है कॉन्फिडेंस तो आ जाता है और जिस दिन आपको लगे कि मेरे ड्रेस की फिटिंग ठीक नहीं है मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे या सौ मिसाइल है जूती अच्छी नहीं लग रही मेरी या मेरी ज्वेलरी ठीक नहीं है या मेरा मेकअप या मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं है वहीं पे आपका घर पे कॉन्फिडेंस शटर हो जाता तो है आगे जाके क्या खाक करोगे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आगे जाके तो बात ही नहीं करोगे अगला सवाल कर रहे, आपका जेन जा रहा है आज मैं ठीक नहीं लग रही कहीं ये मुझे कुछ क्रिटिसाइज तो नहीं कर देगा ओह हो मेरा दुपट्टा ठीक नहीं है मैंने क्यों नहीं पहले डिसीजन लिया कि ये वाली लिपस्टिक नहीं लगानी थी यहाँ तो सारे लोग इतने महजब बन के आए हुए अगला आपसे बात कर रहा और आपका जहन जा रहा है कि और आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं लूज़ हो गया सो so, इन सारे मसाइल से बचने के लिए हमने ये सारा जो फर्स्ट इंप्रेशन का लेक्चर है ना ये बेल्ड किया है फिजिकल अपेरेंस इज़ द कम्बाइंड इम्प्रेशन ऑफ वही बात आ गई है जो मैंने आपसे अभी की है कि जो फिजिकल अपेयरेंस है ना ये बनेगी कुछ चीज़ों से मिलकर इसमें आपकी ड्रेसिंग भी आ जाएगी इसमें आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी आपके बॉडी पोस्चर आ जाएगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे लेकिन अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई ये मैंने आपको फिजिकल अपेरेंस की बात बताई है ये है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने वर्बल के ऊपर भी काम करना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी पूरे अटायर आ जाता है सर से लेके पांव तक आपकी ड्रेसिंग कैसी है वो आप नहीं बोल रहे आपका लिबास बोलेगा गॉट इट तो वो क्या है चार पॉइंट्स जो आपकी शख्सियत को देखते साथ ही कोई यह ज्यूम कर लेता है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या होगा आपका सेकंड आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपका इकोनॉमिक लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये चार चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी सिर्फ एक अटायर के ऊपर तो ये आपका क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो हमने पहले कह लिया कि अब ड्रेसिंग जो है ना आपकी ड्रेसिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं कुछ लोग कहते हैं ड्रेसिंग में सिर्फ लबास आता है भाई लबास तो मुकम्मल ही नहीं है तब तक जब तक तुम्हारे जूते ठीक नहीं है ज्वेलरी ठीक नहीं है यहाँ तक कि मेरा तो माना है आपके गैजेट्स आपने सब कुछ अच्छा पहना हुआ है लेकिन अब आप प्रोफेशनल हो चुके हैं और आपके हाथ में जो लैपटॉप बैग है उसके ऊपर बिल्लियां बनी हुई हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आप प्रोफेशनल दिख रहे हैं वो लग रहा है आपका अंदर का बचपन अभी खत्म नहीं हुआ तो इवन आपके गैजेट्स आपके लैपटॉप का कलर आपकी ये चीजें भी लोग जज करते हैं आपको कि भाई ये मेचोर है कि नहीं सो ये बहुत ही एक समझ लो कि डीप डिस्कशन है जिसको करने की हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी हर अदारे को ज़रूरत है ना सिर्फ इनिशियल स्टेज पे जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं आपके अदारों को भी चाहिए कि वो ऐसे लेक्चर्स दिया करें आपको बताएं कि आप मेरे अदारे का पार्ट बन गए हैं तो अब मेरी आपसे क्या डिमांड है आप कितने को डिसेंट लगने चाहिए सो so ये हमारे फाउंडेशन का जो इनिशियेटिव है ना ये बहुत कमाल होने वाला है मेरा ख्याल है कि आठ बैचज के बाद अब ये एक और प्रोजेक्ट का थर्ड बैच है मेरे साथ जो आपका है सो so, जनाब इसमें जैसा मैंने आपको बताया ना कि ड्रेसिंग में क्या क्या आता है ड्रेसिंग में आपके हेयर मेंटेनिंग भी आ जाती है मेकओवर भी आ जाता है जो आपका मेकअप है हाउ यू वेयरिंग ज्वेलरी आ जाती है कपड़े आ जाते हैं लिबास लिबास में आपका दुपट्टा स्काफ बहुत अहम है और ये एक बहुत बड़ी साइंस है लिबास इसको ईजी मत लेना आगे जाके हमने इसके बारे में पढ़ना है तो आप हैरान रह जाएंगे आप कहेंगे ओए होए होए ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है ये चीजें भी काउंट होती हैं सो so, लिबास के बाद आते हैं आपके जूते फिर आते आपका पर्स आपके गैजेट्स द थिंग्स यू कैरी क्योंकि आप लैपटॉप बैग या अपने पर्स के बगैर तो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे वो तो आपने कैरी करना है क्योंकि आप चीजें किस चीज में डालेंगे अब सारा कुछ ठीक है लेकिन एक पर्स आपने छिलबेला सा ले लिया तो आपको क्या लग रहा है आप राइट इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं नहीं क्यों क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दी है सारा फोकस बैग पे चला गया है या आपने ज्वेलरी ऐसी पहन कि सारा फोकस ज्वेलरी पे आ रहा है आप कंटेंट दे रही है और अगला आपकी ज्वेलरी देख रहा है वो आपकी रिंग देख रहा है आपकी चूड़ियां देख रहा है सो so व्हाट क्या क्या इमेज प्रोजेक्ट किया आपने गलत कर दिया वहां पे सो so ये सारी साइंस है जिसके बारे में हमने पढ़ना है और ड्रेसिंग में जो मैंने आपको बता दिया कि ये ये चीजें आती हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक सिचुएशन बेस्ड हेयर स्टाइल एंड ड्रेस इसमें आ जाएगा आपने अपने हेयर स्टाइल से भी मैसेज देना होता है अब आप देखें हम शादी पे जा रहे हैं किसी पार्टी पे जा रहे हैं हम गेट टुगेदर पे जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं बाजार में शॉपिंग करने या फिर हम कॉलेज जा रहे हैं या फिर आप ट्यूशन के लिए जा रहे हैं तो आपके हेयर स्टाइल से पता चल जाएगा आपने हेयर डू वैसा किया होगा सबसे ज्यादा फॉर्मल और स्टाइलिश हेयर स्टाइलिंग होती है जब आपने शादी पे जाना होता है ऐसा ही है ना क्या हेयर कट ऐसा होना चाहिए हेयर कलर ऐसा होना चाहिए हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए आजकल वो नित्य नए ग्लिटर्स भी आ गए वो सारी चीजें वेडिंग पे जाना है जी इसी तरह पार्टी के लिए आप उसे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को ड्रेस डाउन करने के लिए अपना थोड़ा इजी कर लेते हैं बालों को गेट टूगेदर्स पे जाने के लिए आपका डिफरेंट होता है आप कहते हैं मैं नीट एंड क्लीन लगूँ और डिसेंट लगूँ मैं स्टाइलिश लगूँ सोशल गैदरिंग्स और गेट टूगेदर्स के लिए आपका डिफरेंट होता है लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि मैं तो बात कर रही हूं प्रोफेशनल आपके हेयर स्टाइल की प्रोफेशनल हेयर स्टाइल्स में सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को हेयर स्टाइल के ऊपर कैसे जज कर रहे होते कौन बताएगा मुझे कोई भी बोल सकता है हेयर स्टाइल के ऊपर कभी आपको आपने किसी को देखा हो और आपको लग गया हो कि यार ये प्रोपरीटली ड्रेस नहीं है क्योंकि इसकी हेयर स्टाइलिंग ठीक नहीं हुई भी लेट्स से हम अगर किसी जगह पे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो अगर तो आपने स्कार्फ लिया हुआ है तो फिर तो आप बहुत सेफ़ हैं आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत ही नहीं है सर पर दुपट्टा तो कैरी किया हुआ है वेल एंड गुड अच्छे से कैरी किया हुआ है हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं अब वो भी मैं ये नहीं कह रही कि बस अंदर जूड़ा किया कंघी भी नहीं किया और सर पे दुपट्टा तो ले लिया ये भी नहीं करना लेकिन अगर आपने सर पे स्काफ या दुपट्टा तो कैरी नहीं किया हुआ तो फिर बाल आपके अगर तो लंबी लेंथ है तो फिर या तो वो बंद होने चाहिए या उसकी डिसेंट सी जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं आप चोटी या गुत आपने बनाई हो और अगर आपके बाल छोटे तो फिर आप उसकी पोनी भी कर सकते हैं आप उसको लूज़ भी छोड़ सकते हैं अगर उनकी लेंथ शोल्डर तक है लेकिन अगर आपके बाल हैं लंबे लंबे और आप जुल्फ़े खोल कर जा रहे हैं तो वो आप कोई प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर रहे मैं एक दिन एक बैंक में गई वहां पर एक खातून काम कर रही थी जब मैंने उनको देखा ना तो वो मुझे फोकस कर रही थी उन्होंने मुझे कहा जी मैंने आपको बहुत जगह देखा है आ, आप यहाँ आती जाती हैं तो मैं हैरान हुई मैंने कहा हर हाँ, साल में एक दो दफ़ा मेरा चक्कर लग ही जाता है तो मुझे कहने लगी अच्छा मैंने तो आपको बहुत देखा है मैंने कहा चलो नाइस मैं उसको देखकर ये सोच रही थी कि भाई तू काम करने आई है बीबी इतने लंबे बाल खुले छोड़ के इतना हैवी मेकअप करके आप क्या मैसेज दे रहे हो आपको एक प्रोफेशनल लुक में नहीं होना चाहिए था और फिर आपने इतना ओवर डू प्रिंटेड और शाइनी ड्रेस पहना हुआ उस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं वो चमक रहे हैं तो मैं जितनी देर तक उसके पास बैठी हुई थी शायद ये मेरा कंटेंट है तो मेरा फोकस उस पर रहा वो डिस्ट्रैक्शन थी खैर बाद में मैं आई तो उससे कहा जी मैंने आपको बड़ा देखा मैंने सेशंस भी लिए पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर आपने इतने सेशंस भी लिए हुए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई इम्प्लीमेंट भी किया है कि नहीं अब आप छः छः सेशंस लेकर जाएंगे लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके इन छह सेशन का आपको कोई फायदा नहीं कोई असर ही नहीं हुआ आप मुद्दे पर नहीं आए आपने समझा ही नहीं कि पर्पज़ क्या था इतना टाइम स्पेंड करने का सो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जब हम आखिरी सेशन पे आएंगे तो हमारे जो आखिरी छठे महीने का एक सेशन होगा ना उसमें हम आपको प्रॉपरली जज करेंगे आपको डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाएंगे आप लोग यहाँ खड़े होके आपकी स्पीच देखी जाएगी आपका लिबास देखा जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा उस पर आपके मार्क्स लगेंगे तो आज से तैयारी पकड़ लें ठीक हो गया और जितना मैं पढ़ाऊँ कोशिश करें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें ठीक है वॉर्ड्रॉप में आप इतनी जल्दी चेंजेस नहीं ला सकते लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर काम शुरू कर दें अच्छा जनाब ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक पिक्चर लगाई थी इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाउ यू ट्राई हेयर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने जैसे कि अभी बात की है कि हम लोगों को जो जज कर रहे होते हैं उनके इस बेस के ऊपर कि वो सिचुएशनली ड्रेस हैं कि नहीं अब देखो आप कहीं अफसोस के लिए गए हैं और वहाँ पर आप मेकअप करके तो नहीं जाएंगे नहीं। आपका इवेंट के जो ड्रेस का कलर है वो भी आप देख के सेलेक्ट करेंगे ना ये ऑटोमेटिकली है नेचुरली आप कहते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा तो भड़कीला कलर है मैंने ये पहन कर नहीं जाना जब आप शादियों पे जाते हैं तो फिर आप कहते हैं खोल के इंजॉय करो भाई कोई भी कलरफुल अच्छा ड्रेस हो शादी पे जा रहे हैं लेकिन इसी तरह जिस वक्त हम ऑफिस जाते हैं ना हमारे पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती हैं आपने यह देखना होता है कि आप अपने हेयर स्टाइल को ऐसे कैरी करें कि आपको काम करने में हर्डल ना आए यह ना हो कि आप बाल ही समेटते रह जाएं सिमटे हुए बाल होंगे आपको टेंशन ही नहीं होगी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे दूसरा तो छोड़ देना दूसरे ने क्या डिस्ट्रैक्ट होना है आप खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप काम कर रहे हैं और आपके बाल आगे आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी तो बेहतर होगा कि आप अपने बालों को ऐसे असेंबल करें कि आपको कोई परेशानी ना हो सो तो आपको ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है इसमें डिफरेंट किस्म के हेयर स्टाइल्स हैं और आपके हेयर स्टाइल से आपका जो कह लें कि आप लोगों की जो मूवमेंट है बॉडी मूवमेंट वो आसान हो जाती है फेशियल एक्सप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आपके मैंने बताया कि पहली चीज आपकी ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग में ओवरऑल आपकी इतनी सारी चीजें जो कि आपकी आ जाती हैं क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं सो so, इसमें आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन हैं वो क्या है उसका ताल्लुक है आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत ज्यादा आप आपसे कोई बात कर आपका सीनियर लेकिन आप एकदम से घबरा जाते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है आपको अपने अंदर एतम की कमी हो सकती है सो so, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ इस तरीके से प्ले करना कि अगला जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ईजी फील करें बात करते हुए ना तो आपके जूनियर्स आपसे बात करते हुए डरें ना आपके सीनियर्स आपको झाड़ के रख दें तो फेशियल एक्सप्रेशंस का आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इमेज प्रोजेक्ट करने में बहुत गहरा ताल्लुक है तो हम क्या चाहते हैं कि हम आपकी इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज में आपके फेशियल एक्सप्रेशन तो आ जाते हैं बट आपके हाथों की मूवमेंट आपके चलने का तरीका आपका बैठने का तरीका आप झुक कर बात कर रहे हैं कि आप सीधे होकर बात कर रहे हैं ये आपका बॉडी पोस्चर है हम एक पूरा सेशन इसके ऊपर करेंगे उसमें हम आपको एक्टिविटीज़ भी देंगे अभी आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है जो आप यहाँ बैठ के करेंगे टॉप टेन बेस्ट वुमेन क्लोदिंग ब्रांड इन पाकिस्तान टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सौ आर्टिकल्स पढ़े हुए किस बच्चे का नाइट इस वक्त चल रहा है चल रहे जिस जिस बच्चे का नेट चल रहा है ना वो अपने साथ फिर ग्रुपिंग करें जो बच्चों ने हाथ खड़ा किए कितने थे करें दोबारा एक दो तीन चार अब आप लोग आपस में डिसाइड कर लो ठीक है आपस में आप अपने साथ ग्रुप में पांच पांच बच्चे डालो ये आर्टिकल है टॉप टेन बेस्ट वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान 2024 आपको दस मिनट दिए जाते हैं आपने उस दस मिनट में मुझे ये बताना है इस वक्त कौन से क्लोदिंग ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल पढ़ें आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है फिर आपने बताना कि वो आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं ओके okay? बहुत इंटरेस्टिंग है दस मिनट आपके पास हैं आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब ये देखें कौन से ब्रांड्स हैं और उसकी खसूसियात क्या है ठीक हो गया टॉप टेन कौन से ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं और उसकी खसूसियात क्या है आपने अपने मुद्दे को प्रूव करना है कि वो प्रोफेशनल क्लोथिंग बना रहे हैं कि नहीं और आपको वो प्रोफेशनल क्यों लग रहा है आपने मुझे ये भी बताना है आप लोगों ने आज अपने जहन से काम करना है नहीं, टेन, के, टेन, टेन का नाम बताओ और एक ब्रांड अपना फेवरेट उठाओ उन दस में से एक ब्रांड और प्रूफ करो कि वो बहुत अच्छा काम हैं समझ आ गई क्लैरिटी मिल गई है सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और नोट के एंड में अपना पांच लोगों का नाम एंटर करना है चलें जल्दी जल्दी ना आप लोग अपनी सीट्स पे आ जाएं, अपने नाम लिख लें अपने ग्रुप के सात मेंबर्स जो हैं। इससे बहुत टाइम लग जाएगा जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी ना उस वक्त कोई लिखेगा नहीं ठीक है चले डन है भाई जो जहां तक पहुंचे वो देखा जाएगा आ जाओ अपनी अपनी सीट्स पे आओ अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम लिख लिए अब जो बच्चा आके एड्रेस करेगा वो बताएगा कि मेरे ग्रुप में इतने मेंबर्स थे और हमारी रिसर्च के मुताबिक हमने सोचा कि ये ब्रांड स्टॉप के हैं और इनमें ये ब्रांड हमारा फेवरेट इसलिए है कि उसमें अटायर में खसूसियात ये पाई जाती हैं गॉड इट आज जाओ बेटे आपसे स्टार्ट करेंगे हाँ नाम लिख के आ जाओ आप लोग अपनी चेयर्स वापस ले आओ और आके दे बैठो सामने सबके पेन साइड पे होने चाहिए स्टॉप राइटिंग थैंक यू ठीक है जो जो पॉइंट दे रहा है उसका ही रहने देना आप लोग वो डिटेल नहीं बताएंगे अगर लिख लिया तो वो और बात है ठीक है आप स्टार्ट करें

मान मिसबा और मुबद्दस। और हम लोगों ने फिर मिल के जो है ना एक ब्रांड पिकले लिया था सना सफीना नेना इस्टैब्लिश ये टू सिस्टर्स है। ठीक है ठीक है सना हैी एंड सना सफीना सफीना मुनी ठीक है और ये इस्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन एटी नाइन में और इसके पॉजिटिव इम्पेक्ट्स कंट्री पर हमारी क्या बने हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है एक तो

ठीक है hmm. तो hmm. और, तो और इसके अलावा आप कैसे बताएंगी कि जी हम एग्री कर जाए जैसा आपने एक पॉइंट बताया कि उनके पेस्टल कलर्स होते हैं और वो मुझे लगता है कि फॉर खुवात लड़कियों के लिए पेस्टल कलर्स इन प्रोफेशनल इन्वामेंट बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल लगते हैं मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं लेकिन आपकी ये चॉइस है आपने ये पिक किया है इसके अलावा आपने मुझे कहा कि उनके फ्लोरल होते हैं right? मतलब राइट हाँ ठीक है।, है इसके अलावा और क्या है, है मटीरियल मतलब मतलब कट्स के ऊपर तो क्या बताना चाहेंगी आप Uh, मेरा मतलब है कि ड्रेस के जो कट्स होते हैं उनके बारे में क्या बताएंगे हाँ हाँ देखते थे बट डू यू रियली थिंक दैट की जो पैटर्न वो फॉलो कर रही है कट्स के वो एक प्रोफेशनल खातून पहन सकती है कि नहीं दैट्स माई क्वेश्चन दैट आपको लगता है कि वेरिएशन से एक प्रोफेशनल बच्ची को पहननी चाहिए आपको क्या लगता है आपको लगता है कि आपको आप इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे पहन सकती हैं ओके okay. पहन सकती हैं बट डिपेंड्स ऑन के आपका जो एनवायरमेंट है वो क्या है आपने ये मुद्दा जो है उठाना है आप पहन सकती हैं बट डिपेंड्स ऑन कि अगर तो आप क्रिएटिव डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हैं या आप कोई ब्यूटिशन से ताल्लुक़ रखती हैं और वो पहना वह आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो फिर वो आप पहन सकती हैं तो सना सफीनास का एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने प्रोफेशनल ख़ातन की भी एक लाइन मुतारफ़ करवाई और एक क्रिएटिव लाइन भी करवाई तो वो अब आपने पिक करना है ये सेंस आपकी है

सनासा फिनाल ही ही है, बहुत है, करता दस के नाम पूरे नहीं हुए ठीक ठीक है थीक है <laughs> चलो जी चलो आगे चलो सर, आपने सिलेक्ट कौन सा ठीक है ठीक है इसलिए हमारी को इस लगा है। क्योंकि वो महंगा बहुत है <laughs> है ना वैसे एक्सपेंसिव है, है बहुत ज्यादा हाँ तो ऐसे ही है अब के के तरफ जाए, जाए हाँ ठीक है ठीक हाँ। है इसलिए अपना पॉइंट प्रूफ़ करके रहने है। सही है सही जा रही है जी मारिया भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक बिजनेस है वो और वो उनकी जो तो कलर की कलेक्शन तो होती है फ्रेश लगते हैं। अगर आप तो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा दबा देगा और अगर आप लाइट पहनेंगे आपको इनहेंस करेगा फ्रेश लगेंगे उसके बाद अगर आप लाइट से ज्वेलरी पहने तो वो भी बहुत ऑथेंटिक और अच्छी लगती है ये मारिया बी को ना बहुत अच्छी मार्केट कर रही है

ज्वेलरी नहीं अपनी आउटलेट उन्होंने लॉन्च किया नहीं सोने उसने एक और बेबी ब्रांड बनाया है और उसका जो है आ, मोटिव ये है कि उसमें जो कपड़े रखे गए उनकी प्राइजेस थोड़ी हल्की है, जी। उसका है एम ओ वेरी ट्रू इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जबरदस्त जबरदस्त देखो मैं भूल गई उसको याद था वेरी ट्रू बेसिक्स बाय मारिया भी yes.

वेरी गुड माशा माशा हाँ जी मेरा थर्ड ग्रुप का बच्चा कौन है ड्रेस कर रहा है आ जाओ बेटे आ जाओ देखते हैं आप ये किस ब्रांड को अच्छा मार्केट कर रही है लेट्स डू ठीक है इस वक्त जो टॉप टेन ब्रांड्स हैं उसमें हैं गुल अहमद सना सफ़ीनाज खाडी सफ़ायर लाइमलाइट डोट एथनिक मारियाबी जेलबरी एंड निशात लेकिन जो हमें सबसे अच्छा ब्रांड लगता है आई मीन तो मेरी फैमिली प्रमोट करती है वो सफ़ायर है और सफ़ायर को 2014 में लॉन्च किया था और वो एक फ़ीमेल थी जिनका नाम है नबीला अब्दुल्ला और इनके ऑनर हैं मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं बेसिकली वाल में ही है और जो जिस तरह की ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होती हैं ये हम इस ब्रांड को इसलिए इतना फेवर करते हैं क्योंकि इसमें रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं ईजी टू वेयर होता है क्योंकि आजकल की जो लेडीज़ हैं वो प्रोफेशनल ज़्यादा और टाइम नहीं होता स्टिचिंग वगैरह के लिए तो वो रेडी टू वेयर होते हैं तो हम ईजिल उनको परचेज़ करके तो पहन सकते हैं उसके बाद इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है जिस तरह के जो हमारा आजकल दौर चल रहा है वो जदीद चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है इनोवेट अपडेटेड तो ऐसा नहीं कि जो इनके डिज़ाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होते हैं मतलब इनमें हर तरह के जो डिज़ाइन है ना उसमें हमें नज़र आ रहा होता है कि कुछ ना कुछ एक न्यू टच दिया होता है उसके बाद ये सर्टिफेबल क्वालिटी रखते हैं मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये बना रहे हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको सर्टिफाइड ना किया गया हो तो प्रॉपर इनको एक परमिशन दी जाती है बनाने के लिए उसके बाद क्रिएटिव अलाइंसिस होते हैं मतलब तखलीकी इतहाद होता है अगर ये कोई डिज़ाइन लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में पहले एक वीडियो प्रॉपर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि हम ये डिज़ाइन लॉन्च करने जा रहे हैं तो इस तरह से उसकी क्वालिटीज़ वगैरह बताई जाती है उसके बाद एक्सेप्शनल सर्विसेज होती है हमें ये लगता है कि जो बाकी ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं वही हमें करके दिखाते हैं लाइक जब हम कोई इवेंट वगैरह आता है तो उस पर जब हम इस ब्रांड में जाते हैं तो वहाँ पे शादी वगैरह के लिए भी और जिस तरह हम गेट टुगेदर करते हैं सिंपली लाइक अगर हम टीचिंग वगैरह करते हैं कोई प्रोफेशनल जॉब हर तरह का हमें यहाँ पे सूट अवेलेबल होता है हर तरह की क्वालिटी होती है उसके अंदर लाइक डिजाइनिंग भी होती है सिंपल भी होती है और ज्यादा इसको प्रेफर इसलिए किया जाता है कि इसमें कंप्लीट एक प्रोफेशनल टच टच दिया जाता है इनकी जो ब्रांड की खासियत है ना वो यही है कि ये प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है मतलब क्या है प्रोफेशनल मैम इनकी ना बड़ी सिंपल सी होती है मतलब इतना बिल्कुल हैवी नहीं होता और बट मैं कहती हूँ कि जब हम देखते हैं ना तो मतलब वाकई दिल करता है परचेज करने का मतलब लाइट वेटेड होता है और इसी तरह से अफोर्डेबल अवेलेबल है मतलब जितना आप करते हैं और हम मतलब खाली शॉर्ट भी मिलते हैं तो टू थाउजेंड तक होती है और बहुत अच्छी होती है उसके बाद मोडेस्ट वेयर होता है और इनमें मतलब एवरी कलर अवेलेबल होता है लेकिन ज्यादा मैं वही बात करूँगी प्रोफेशनल कलर को ज्यादा प्रमोट कर लाइक ब्लैक ब्लू ग्रे ब्राउन व्हाइट एंड ग्रीन और से सुने ये वाली लाइन कलर्स बताए हैं उसने ब्लैक ब्लू ग्रे ब्राउन व्हाइट एंड ग्रीन और ज्यादा पेस्टल कलर्स भी होते हैं इसी वजह से क्योंकि ना आजकल जो फीमेल्स है ना मैम वो ज्यादा मतलब वर्क कर रही है वर्किंग लेडीज है ना बहुत ज्यादा तो उनको तो फिर तो यही जरूरत है अब बजाय इसके हम किसी और ब्रांड पे जाए हमें पता नहीं चलता हमें मतलब मैम मैं सची कह रही हूँ हमें नॉलेज नहीं होता इस बारे में हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं तो ब्रांड हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो क्वालिटी ही इस तरह की रख रहा होता है हम इसीलिए परचेज कर लेते हैं और अगले बंदे के सामने जब हम जाते हैं तो वो हमें जज नहीं करता ये बात है तो सफायर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है सूट सिलेक्शन में ठीक है थैंक यू जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए बहुत अच्छे से एडवेस्ट किया आपने वेरी गुड वेरी गुड कॉन्फिडेंस थैंक यू हाँ जी बेटे अब नेक्स्ट कौन है आ जाओ आपने अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम याद से बताना है असलम माए नेम इज़ सायरा और अब मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान के जो मेजर टॉप टेन ब्रांड्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं जैसे कि बहुत से बच्चों ने बताया कि सफ़ायर एथनिक इसके अलावा जनरेशन और एक ब्रांड है जीन वुमेन इसके अलावा जो है मारिया बी हो गया सफ़ायर को क्रॉस स्ट्रीट भी इसके अलावा आता है और इसके अलावा गुल अहमद गुल अहमद भी हो सकता है लाइम लाइट जो है वो बी खाडी ये सारे जो है वो मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मुझे हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया वो है जीन वुमेन हमने सेलेक्ट किया है उसका रीज़न ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल्स में ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग वो लगती है जो एक कलर यानी सॉलिड्स होते हैं अक्सर अक्सर मैंने मरियम नवाज जो मतलब उनकी ड्रेसिंग के लिहाज से वो मुझे बहुत पसंद है और मैंने नोट किया वो बहुत सॉलिड्स जो है वो प्रेफर ये बहुत एलिगेंट लगते हैं इसके अलावा इनके जो प्रिंट्स हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रिंटेड कलेक्शन देंगे और अगर प्रिंट्स भी हैं तो बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं या कहीं कहीं पर प्रिंट्स हैं इसके अलावा इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी ये है कि बहुत लाइट एम्ब्रॉयडरी है और हैंड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशनल डिनर होता है उसके लिए आप जो है वो नॉर्मली अगर आपने कोई फ्रॉक भी पहना है लॉन्ग फ्रॉक अगर आप पहनते हैं या उसके अंदर माइल्ड एम्ब्रॉयडरी होती है तो भी इसके अंदर बहुत अच्छे आपको मिलते हैं इसके अलावा कलर स्कीम भी इनकी बहुत पेस्टल जैसे कि ब्राउन हो गया इसके अलावा पेस्टल्स के अलावा ब्राउन भी लाइट पिंक कलर भी या फिर जो है वो इसके अलावा डल कलर ऐसा नहीं है कि बहुत ब्राइट कलर नहीं है जैसे कि रेड बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है वैसा नहीं है डल में उसको जो है वह में जो है इस तरह के शेड्स हैं इसके अंदर इसके अलावा इस ब्रांड के ये है कि बहुत से ड्रेसेस समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक रेंज होती है जिसमें हम बाय करना चाहते हैं लेकिन जो इस ब्रांड है इसके साथ ये है कि ये आपको इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप जो है वो नहीं खरीद पाए जैसे अगर फोर थाउजेंड का ड्रेस है और आपको बहुत पसंद आया लेकिन आपके पास खरीदने के लिए सिर्फ थ्री थाउजेंड है तो आप जो है वो थ्री थाउजेंड पे करके वन थाउजेंड जो है वो बाद में भी, भी पे कर सकते हैं

आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम लोगों की लाइन को क्या हुआ है ठीक है इसके साथ जो जो है वो हाथ खड़ा करे हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज आमन एंड माय ग्रुप मेंबर्स आर इकरा अरशद ईमन अजीज तहरीम फातिमा एंड ऑफ कोर्स माय सेल्फ आमना और बहुत सारे ब्रांड्स हैं सबने बताया शायद <coughs> जैसे कि हमारे फेलोज ने सबने बताया कुलीग्स हैं के बहुत सारे ब्रांड्स हैं हम लोग उनमें से हर एक की अपनी चॉइस है मेरी भी एक जो हमारी मेरी मेरी भी थी हमारी मेरी ग्रुप मेंबर्स भी थी हम लोगों ने कलेक्टिवली जो है डिसाइड किया कि हमारी एक चॉइस है बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक खादी है सना सफीनाज है सफ़ायर है लाइम है बीच ट्री है जारा है गुलमद है निशात है ठीक है और और जो है जो हमने डिसाइड किया है वो है खादी खादी जो है वो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है उनके डिज़ाइन् उनके कलर्स उनके जो पैटर्न्स हैं और और यह है इसका जो है सबसे पहले जो खादी जो आया था नाइनटीन एट में शमून सुल्तान के जो है वो फाउंडर हैं को फाउंडर जो है वो शमून सुल्तान साहब हैं और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में लेकिन अब्रॉड द कंट्रीज़ में भी जो है इसको प्रमोट किया जाता है यूके वेरी ट्रू में इनके आई थिंक सो थर्टी प्लस हाँ, स्टोर है जो है चल रहे हैं पाकिस्तान में सिक्सटी हाँ। प्लस स्टोर <coughs> है जिसमे ऑनलाइन भी है और आप जो है स्टोर पे भी जाके बाय कर सकते वेरी ट्रू और इस ये सब ये सबसे बड़ी बात है आ, है कि जो रिसेंटली आप सब लोगों ने आ, देखा होगा कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जो है एरिका रॉबिन उन्होंने रिप्रेजेंट किया है खादी को पहचान के नाम से वहां पे अच्छा वेरी गुड और देखो इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए

मतलब कि बहुत ज्यादा जो है आजकल कल आप किसी भी शॉप पे जाएं तो आप फिफ्टीन हंड्रेड नॉर्मल है आप ठीक है सकते हैं उसको कोई इतनी ज्यादा नहीं है स्टार्टिंग है फिर आपकी जो अपनी कैपेसिटी है आप बाय कर सकते हैं उसमें और इनके पास जो होते हैं ना वाइब्रेंट कलर होते हैं जिसमें आप ऑलि कलर या लो हो गया अगर आपने वो ओकेजन के हिसाब से आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप उस लिहाज से अपने आप को जो है वो उन्होंने डिफरेंट लाइन दी हुई है अब आपको समझ होनी चाहिए डोंट फॉलो सेल्स गर्ल वो तो आपको कहेगी कि, कि आप ये ले लें आप बड़ा अच्छा लगता है ठीक है लेकिन आप लोग समटाइम्स पता है क्या मिस्टेक करते हैं आपने मॉडल को जो पहना हुआ देखा होता है ना आप कहते हैं ये अच्छा है लग रहा है उसको ले लो आप वहां ये भूल जाते हैं कि क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी पूरी फिजीक उस मॉडल से डिफरेंट है आप लोगों को अपनी फिजीक को समझना है इन छह सेशंस में हम यही समझेंगे So, ये जो आपने भी बात कही है वेरी गुड आप लोगों ने ये फोकस करना है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा आपको लाइंस दी गई हैं आपने टच करना है जाके उसको सो so, आपकी लाइन कौन सी है वो आपको खुद पता होना चाहिए आपने ड्रेस किस तरह से कैरी किया है वो मैटर करता है कि आप जा रहे हैं आपने आप किसी भी के लिए जा रहे हैं तो आपने उस ड्रेस को नो no डाउट ड्रेस उसी के लिए उसी चीज के लिए हो सकता है वो आपको कैरी करना ही ना आए अच्छे से आपको कैरी करना भी एक अच्छे से आना चाहिए हाँ। और खाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने डाइवर्सिटी जो है वो उसको जो है वो अकोमोडेट किया विध इन सोसाइटी के अंदर बिल्कुल सही के मैनेज किया उसको मतलब की और उन्होंने बहुत और इसमें ना सिर्फ वो क्लोथिंग में है उन्होंने और भी बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च किए जैसे कि एक्सेसरीज आ गई हैं उनकी ज्वेलरीज़ हैं उनमें और उनमें सेंट्स उनके हैं और बेसिकली उन्होंने फर्नीचर्स भी लॉन्च किए हाउस होल्ड और किचन एक्सेसरीज भी उनकी तो एक बहुत एक इनोवेशन है उनके बिजनेस में आप सिर्फ क्लोथ में क्लोथिंग में नहीं है वो उन्होंने अपने बिजनेस को अपग्रेड किया है ठीक तो बट हमारी प्रायोरिटी इज क्लोथ राइट नाउ जबरदस्त है देखे, ये है कि आपको कोई भी काम करने की आजादी हासिल हो और जब आप एक काम शुरू करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आने देनी चाहिए बस बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करना चाहिए बाकी रास्ते खुलते जाते हैं देखो खाड़ी का इट्स अ बिग स्टेप कि वो कपड़ों से फर्नीचर की तरफ आ गए अब ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको चाहिए और उनसे नहीं मिलेगी तो क्या होता है कि एक ब्रांड अगर अच्छा नहीं काम कर रहा तो दूसरा आप उसको कंपनसेट कर देता है तो ये दैट्स वेरी गुड एंड गुड पॉइंट थैंक यू सो मच और क्लैपिंग होनी चाहिए भाई बड़े अच्छे से पॉइंट्स को रेज किया है थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच अब नेक्स्ट बच्चा कौन है मेरा आओ जी आओ कमान माइक लीजिए असलकुम मेरा नाम सायरा है और इस टाइम जो है हम एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताती जाऊँ उसमें कुरतुलैन है इसके अलावा उसमें मेरे साथ ताबिंदा है मुस्कान है और मैं सायरा अच्छा ब्रांड्स के बारे में हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले मैं बताती जाऊँ कि जारा लाइमलाइट सना सफीना खाडी निशात मारिया बी सफ़ायर एथनिक गुल अहमद सतरंगी वगैरह अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगी हम सब फीमेल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्लॉथिंग के बारे में ड्रेसिंग के बारे में जो सबसे बड़ा इशू हमें होता है वो हमें पेरेंट्स की तरफ से भी होता है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम जब घर से निकलते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो हमें पेरेंट्स की तरफ से भी होता है क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसी ड्रेसिंग कर कर जाते हैं जो आ, 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 लग रहा होता है कि जैसे सोसाइटी तो में कुछ और चल रहा है लोग कुछ और पहन रहे हैं और पेरेंट्स हमें रिस्ट्रिक्ट करें ऐसे नहीं ऐसे पहने ऐसे नहीं ऐसे पहने समटाइम ये एक बहुत बड़ा इशू आता है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इस टाइम जितने भी ब्रांड्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं खास करके वर्किंग वूमेंस जो जाती है जाती हैं डेली बेसिस पर अपने ऑफिस में तो उनके लिए इस तरह के ड्रेसेस बनाए जाते हैं जो वो खुद भी कम्फर्ट फील करें उनके पेरेंट्स भी कम्फर्ट फील करें कि हमारी बच्ची एक अच्छे अटायर में जा रही है और हमें लगेगा कि ये सेफ है तो उसमें जो है जैसे कि मतलब लाइम है लेकिन जो हमने चूज किया है वो निशात है वो भी एक मतलब इस तरह निशात का निशात की बात हो रही है जी ये इस तरह का एक ब्रांड है कि जिसमें आप सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जो ऑफिस गोइंग के साथ साथ यूनिवर्सिटीज में जाती हैं

तो उसमें जो है सॉलिड कलर्स भी है काफी सारे आज जाकर निशाद की वेबसाइट ओपन कर लेना ठीक है <laughs> अच्छा इसके अलावा ये कि उसमें पेस्टल कलर्स भी हैं और ये कि ज्यादातर जो है निशाद के कलर कॉम्बिनेशन color बहुत डिसेंट और सोबर होते हैं अब वो ऐसे डिफरेंट होते हैं कि पता चलता है इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड तो उन्होंने डिजाइनर भी अच्छे रखे हुए हैं उसमें ये है कि सॉलिड कलर अगर कलर जो है वो अगर हम यूटिलाइज uh, करें तो उसमें uh, बिल्कुल छोटी छोटी लेस होती है या कोई एक आधा बटन होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मतलब वो uh, काफ़ी इजी रहता है हाँ. पहनने में और अच्छा लग रहा होता है उसमें कोई इस तरह के सीक्वेंस या कोई इस तरह की लेसिस नहीं होती कि आप काम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग वर्क आपका मतलब uh, हाथ पे कोई ऐसी लेस लगी है बाजू पर वो बाद में अटक जाए या कोई इस तरह का आपको फील हो के नहीं मैं कम्फर्ट नहीं फील कर रही ऐसी ड्रेसिंग जो है उनकी बिल्कुल नहीं है तो वो आ, मतलब ये कि इस टाइम काफी ज्यादा मार्केट में ठीक इन... है जी जबरदस्त हो गया थैंक यू सो मच क्लैपिंग होनी चाहिए भी बड़े अच्छे तरीके से आपने एड्रेस किया है थैंक यू सो मच अब कोई बच्चा रह गया है आओ बेटे इनके अलावा और कौन रहता है सबका कंप्लीट है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमना अख्तर है और मेरे साथ जिन ग्रुप मेंबर्स ने काम किया उनमें इकरा है आयशा है और रानिया और हुरिया आ, हमने मिलके जो भी डिस्कशन की जो भी रिसर्च की उसमें हमें जो ब्रांड्स मिले उनमें सबसे पहले लाइमलाइट है सफ़ायर है बुरंजा खादी बरीज़े एथनिक आसिम जोफ़ा चनायर जुनेद जमशेद और जलबरिया है ठीक है लेकिन हमें इन सब में से जो पसंद आया वो लाइम लाइट है बिल्कुल हमें लगा कि क्योंकि हमारे अपने उसको फॉलो करती है उसके काफी मैं लेकिन इस साल हुआ ना उससे पहले बहुत इकनोमिकल उसमें हमें जो पहली चीज लगी वो ऑब्वियसली उसका प्राइस रेंज थी आप उसको इजी मतलब अपने कंफर्ट जोन में रह के आप भी कपड़े खरीद सकते हैं और दूसरी चीज ये कि डिसेंट कलर और डिज़ाइन है उसके बहुत छोटे फूलों में रेंज इतनी स्ट्रांग है उनकी उसमें डिफरेंट लाइंस बड़ी अच्छी हैं बड़ी अच्छी हैं और उसमें याद है कि कंफर्टेबल आउटफिट्स है उसके पास और अपीलिंग और ट्रेंडिंग आउटफिट हाँ। है उसके पास आ, मतलब आप ट्रेंड के हिसाब से उनकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं आपके लिए ईजी टू वेयर होती हैं फिर उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न ड्रेसिंग होती है और लाइट वेट होती है उनकी चीज़ें यूजली

तो ये एक प्रोफेशनल लेडी के लिए बहुत nice. अच्छी चीज है थैंक थैंक यू यू सो मच क्लैपिंग होनी चाहिए भाई <laughs> लो जी, ये तो आप लोगों का माइंडसेट था कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आपको कौन से ब्रांड के अंदर कौन सी चीज जो है ना वो अच्छी लग रही है बट इन सारे ब्रांड्स के अंदर एक नेगेटिविटी है वो सारी पॉजिटिविटी के ऊपर भारी है सॉरी कैमरे को कह रही हूँ ये ना हो कि कल को मुझे डांट पिटती हो बट रियलिटी बेस बात करूंगी इनके अंदर एक नेगेटिविटी है मैं खुद डिज़ाइनर बनना हूं लेकिन जब आप मैथ्स प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि आपका पैटर्न एक रखा जाता है उसके नीचे दस से बारह लेयर्स रखी जाती हैं कैंची पकड़ते हैं ठकाठक थक, ठकाठक कट जाता है अब आपको क्या पता है कि आपके शोल्डर का साइज उस साइज से मैच करता है कि नहीं पांच साइजेस है मैक्सिमम एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल यहाँ पर नहीं है इतना लेकिन ये कि एक्सेल जो है वो आपका यहाँ तक आपको यहाँ पर रेंज मिलती है लेकिन क्या आप लोग मेरी इस बात से इतफाक़ करते हैं कि सबके फिगर के साइज़ के मुताबिक ही ये पांच साइज है अब बताओ हमने बात शुरू की थी डिस्ट्रैक्शन से अब जब तुम लबास ही ऐसा पहनकर जा रहे हो कि जो तुम्हारे लिए तो बना ही नहीं है मतलब वो कस्टमाइज नहीं है वो एक मैस प्रोडक्शन का माल है आपका नेक साइज और हो सकता है आपका वेस्ट साइज एक दूसरे से डिफरेंट है आपका शोल्डर साइज एक दूसरे से डिफरेंट है आपकी लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है इवन कि आपके स्लीव्स की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है आप मैस प्रोडक्शन में कैसे आ सकते हैं हम तो शुक्र करके पहन लेते हैं ना बट जो हमें चीज अप्रोप्रिएट चाहिए वो तो एक कस्टमाइज में आती है सो क्या होता है कि मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है कि जो ब्रांड्स के पीछे भागने की दौड़ में साथ शामिल हो जाती हैं अब होता क्या है कि जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता पहनने के बाद पता होता है बाजू लंबे हैं लटक रहे हैं नीचे लेकिन उनका तो पैटर्न है ना आपको कमर से लूज है चेस्ट से फंस रही है आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आप तो अनकम्फर्टेबल हैं अब आप कभी आगे से दोपट्टा तो ठीक कर रही हैं, कभी पीछे से कर रही हैं, तो क्या है कि क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना है आपने मैथ प्रोडक्शन में से वो आर्टिकल उठा लिया so ये एक नेगेटिविटी उनकी सारी पॉजिटिविटी के ऊपर भारी हो जाती है जी बेटे कर सकते हैं थे 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 है। हाँ बेटा आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊँ ना तो हर हाइट और विथ का बंदा उठकर ब्रांड पे जाता है सॉरी टू से अफोर्ड भी नहीं कर सकता मैं ब्रांड्स पे नहीं जाती बहुत कम होता है मैं लोकल मार्केट से फैब्रिक उठाती हूँ अपने डिज़ाइंस बनाती हूँ मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उसमें कस्टमाइज़ में ढालती हूँ सो so, मेरे जैसा बंदा अपने लिए क्योंकि मेरा बॉडी फिगर तो वहाँ पर होगा भी नहीं मेरे फिगर के साइज़ से तो वहाँ पर फैब्रिक होगा भी नहीं सो so, मैं बड़ा अफोर्ड करती हूँ तो मैं अनस्टिच ले लेती हूँ सो वॉट आई मीन टू से आप ब्रेड पर जाने की बजाय अगर ब्रांड से आप अनस्टिच उठा लें आपको ब्रांडेड चीज़ चाहिए ना और आपको लगता है उनके प्रिंट्स अच्छे हैं उनका टेक्सचर अच्छा है उनका, अच्छा, उनका फैब्रिक अच्छा है तो वाई डोंट यू गो विद अनस्टिच ड्रेस आप अनस्टिच उठाएं उसको कस्टमाइज़ करवा लें स्टिचिंग अच्छी करवा लें अपने मुताबिक करवा लें आजकल तो आपको पता है थोड़ा माइंड शार्प होना चाहिए संडे की जो मार्केट लगती है लिबर्टी की वहाँ पे सारे ब्रांड्स के एम्ब्रॉयडरी वाले बच गए पैचेस आ, आ जाते हैं आपको दो दो सौ रुपये में पैचेस मिल रहे होते हैं आप वहाँ से वो उठाएं आप कस्टमाइज ड्रेसिंग करें आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप किसी का पैटर्न बना हुआ उठाकर अपने ऊपर पहन लेंगे तो हम तो बात कर रहे थे ना डिस्ट्रैक्शन की और डिस्ट्रैक्शन अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं आपके अंदर है आप इधर से खींच रहे हैं इधर से खींच रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगले को अगला देख के सोचे से क्या मसला है को मसला ज़रूर है इसको और सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है कि जो कलर्स हैं वो पूरी एक साइंस है आपकी एक अंडर होती है वो कौन सी होती है आपको पहचान होनी चाहिए उस अंडर के मुताबिक आपके कौन से कलर्स आते हैं फिर उन कलर्स के लिए डिफरेंट लाइंस हैं कौन सा कलर आप प्रोफेशनली पहन सकते हैं कौन सा आप पार्टी वेयर है कौन सा गेट टुगेदर्स के लिए ये पूरी एक स्टडी है सो so, आपने क्या करना है कि आपने ये स्टडी करना है एक बच्ची ने यहाँ पे मरियम नवाज़ का नाम लेकर एक पॉइंट रेज़ किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सॉलिड कपड़े पहनती आप इस पूरी स्टडी में यही पढ़ेंगे कि मैं आपको कभी भी प्रिंट अलाउ ही नहीं करूँगी आप घर में पहन लें प्रिंट्स पहने फूल पहने रंग पहने क्योंकि घर में आपका जो एक दिमाग है और जो आपका सुकून है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अगर आप फूल बूटे पहनकर जाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता आप किसी को कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे तो और घर में घर में आपको कलर्स पहनने क्योंकि रंगों का आपके मिजाज के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि ये प्रिंट है ना ये आप सोशल गैदरिंग के लिए रहने दें अपने घर में पहनने के लिए रहने दें लेकिन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या सीरियस किस्म की कोई मीटिंग हो उसके लिए आपने सॉलिड कलर्स की तरफ जाना है ये तो रंग की कहानी हो गई फिट की कहानी मैंने आपको बता दी अब ये एक और मुसीबत है कि आपकी फिजिक्स के ऊपर कट कौन सा अच्छा लगेगा और कलर कौन सा अच्छा लगेगा शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए और मसले हैं ज्यादा टॉल हैं उनके लिए और मसले हैं ओवर वेट हैं उनके लिए और मसले हैं स्किनी हैं उनके लिए और मसले इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में इसको पूरे को स्टडी करेंगे आपकी तब तक के लिए एक असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप लिख लीजिए प्लीज़ आप लोगों ने एक प्रॉपर ऐसे लिख के लाना है ये सबमिशन की डेट में आपको हिरा बता दूँगी इन बच्चों से चाहे आप अपने ईमेल में ले लें चाहे आप व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना के उसमें ले लें ये है जी बेस्ट ड्रेस्ट वुमेन इन पाकिस्तान और वो क्यों हैं <coughs> आपको क्यों लगता है कि वो बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन इन पाकिस्तान है समझ रहे हो आप? आपने दस खात लेनी है वो दस खुतन होनी चाहिए डिफरेंट शोबों की उनमें से फिर आपने तीन सेलेक्ट करनी है और उन तीन को आपने प्रूफ करना है कि आपको वो बेस्ट ड्रेस खातून क्यों लग रही हैं ये आपकी असाइनमेंट है प्लीज़ इसको लिख लें जी बेटा असाइनमेंट है बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन इन पाकिस्तान पाकिस्तान की वो जो कि नोन हैं जिनको आप सब जानते हैं उनमें से कौन सी खातन है जो आपको लगता है कि उनसे बेहतरीन ड्रेस कोई नहीं पहनता या फिर आप ये सोचें कि मैं उनसे इंस्पायर हूं और मैं वैसे ही वेल ड्रेस्ड होना चाहती हूँ गॉट इट तो ये उसमें से आपने सिर्फ तीन खातन की डिटेल्स बतानी है दस सेलेक्ट करके नाम लिख के पिक्चर्स लगा के ये बेटे याद रहे ये पूरी एक असाइनमेंट है ये कोई पैराग्राफ नहीं है ये कोई दस मिनट की बात नहीं है इस पर आपका टाइम लगेगा आप टेक योर टाइम एक हफ्ता ले लें दो हफ्ता ले लें दो हफ्ते तक आज की तारीख नोट करो हेरा और देखो दो हफ्ते के बाद एग्जैक्ट डेट क्या आती है आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएंगे दस खुवान के नाम बताएंगे और उनकी पिक्चर्स लगा देंगे मुझे चाहिए पता होना चाहिए कि आप दस खुवा को इतना वेल ब्रेस्ड कह रही हैं तो वो कौन कौन सी हैं और वो देखने में वाकई लग रही हैं ठीक है थीके? ये करने के बाद आपने तीन खवा तीन की पिक्चर्स बड़ी लगानी है और उनके नीचे प्रूफ करना है कि आपको ये क्यों अच्छी लग रही फोर लाइनर हो सकता है वो चार लाइनों में डिस्क्राइब कर दो कि क्यों अच्छी लग रही तो ये आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दी दो हफ्ते के बाद आपने ये सबमिट करानी है आपने मुझे ये देनी है फिर हम उसकी मार्किंग करेंगे सॉफ्ट कॉपी ओके सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो ईमेल में ले लो ठीक है ईमेल में लेके मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दो ठीक हो गया पक्का हो गया या फाइल्स बना लेना इनकी एक फाइल बनाना उसमें इनकी सॉफ्ट कॉपीज लगा देना वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है राइट आफ्टर टू वीक्स मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगी ठीक है ना फिर हम उसकी मार्किंग करेंगे और इन आगे आने वाले जो पाँच सेशनस हैं उसमें आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि आप यहाँ पे क्यों थे ठीक है उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और हम यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं आप लोग अपना एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट सेशंस में मुझे कोई बच्चा प्रिंट्स में नज़र ना आए ठीक हो गया थैंक यू अल्लाह हाफज़